सबसे पहले एक अहम खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां पुलिस ने 4 आतंकियों का स्केच अप जारी कर दिया है। आतंकियों की जानकारी देने पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर में 4 दिनों में 4था आतंकी हमला हुआ है। ये स्केच उन 4 आतंकियों की है जिनके डोडा में होने की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली है। जानकारी के मुताबिक ये सभी गंडो के ऊपरी इलाके में मौजूद हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनकी जानकारी देने वाले को 5 लाख का इनाम देने की भी घोषणा की है। पिछले 4 दिनों में जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा में 4 आतंकी घटनाएं हुई है। इसमें 9 श्रद्धालुओं की जान चली गयी और 2 आतंकी मारे गए और 6 जवान घायल हुए हैं। कठुआ में मारे गए आतंकियों के पास से सेना ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। और जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरा इलाका घेरा है। 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा के गंडों में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से हो रही मुठभेड़ के दौरान की हैं। मुठभेड़ के दौरान एक जवान को गोली लगी है जिसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। डोडा में पिछले 24 घंटे के दौरान आतंकियों से ये दूसरी मुठभेड़ है। सुरक्षा बलों ने उस पूरे इलाके को घेर लिया है जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। हमारे जो जवान हैं आर्मी के और पुलिस के दोनों ने इसमें डट के मुकाबला किया है। जहां जहां की इनकी मूवमेंट की, घूमने की जो जगह है, उन जगहों पे हमारी अब डोमिनेशन और हमारी टीम वहां पे पहुंच चुकी है। कोशिश है कि जल्द से जल्द इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज करेंगे। और वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि आतंकियों का नाम और निशान मिटाकर दम लेंगे। समाज का हर एक वर्ग व्यथित है और सबके मन में गुस्सा है। मैं उनके गुस्से को समझ सकता हूं और आज इस मंच से मैं सभी नागरिकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के सूरवीरों के हौसलों पर हमें भरोसा रखने की जरूरत है। आतंकवादियों और उनके सपोर्टर्स का जम्मू कश्मीर की स्मृति से नामो निशान मिटा करके ही हम चैन लेंगे। और इस बीच एक अहम अपडेट यह है कि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत रवाना हो गए हैं, मदद के लिए कुवैत जा रहे हैं। कीर्तिवर्धन अग्निकांड को लेकर पीएम ने कीर्तिवर्धन को कुवैत भेजा है। अग्निकांड में 40 भारतीयों की मौत हुई है। तो कुवैत में जो अग्निकांड हुआ उसमें बड़ी संख्या में भारतीय हताहत हुए हैं, 40 भारतीयों की मौत हुई है। और इसी को देखते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन कुवैत रवाना हुए हैं ताकि वहां से जो भारतीय नागरिकों के शव हैं उनको सुरक्षित भारत लाया जा सके, जो पीड़ित हैं उनको उन तक मदद पहुंचाई जा सके भारत सरकार की तरफ से। कुवैत में एक इमारत में भीषण आग लगने से 49 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में 40 भारतीय हैं। बताया जा रहा है कि ज्यादातर लोग तमिलनाडु और केरल के। बुधवार का दिन इस इमारत में रहने वाले लोगों के लिए काल बनकर आया। कुवैत के अहमदी प्रांत के मंगाफ इलाके की 6 मंजिला इमारत की रसोई में लगी आग धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग में फैल गई। इस बिल्डिंग में 195 मजदूर रहते थे जिनमें ज्यादातर भारतीय थे और एक ही कंपनी में काम करते थे। अभी तक कुल 49 लोग घटना में मारे गए हैं जिनमें 40 भारतीय हैं, 50 लोग घायल हैं जिनका कुवैत के अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुवैत में भारतीय दूतावास प्रभावित लोगों की मदद के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। और पीएम मोदी ने कुवैत में हुए हादसे पर दुख जताया है। पीड़ित परिवारों की मदद के लिए 2-2 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। पीएम आवास पर हुई इस बैठक में कुवैत में हुए हादसे की समीक्षा की गई है। पीएम मोदी ने घटना के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को हर संभव मदद करने का निर्देश दिया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राहत कार्यों की निगरानी करने तथा शवों को शीघ्र वापस लाने के लिए कुवैत जा रहे हैं। मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की। कुवैत हादसे में मारे गए भारतीयों की पहचान की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुवैत के विदेश मंत्री से फोन पर ताजा हालात की जानकारी ली है। कुवैत हादसे में भारतीयों की पहचान की जा रही है। अब तक 5 शव पहचाने जा चुके हैं।
पांचों केरल के रहने वाले हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने अनुरोध किया है कि कुवैत सरकार से संपर्क करके राहत और बचाव कार्यों का समन्वय करने के लिए भारतीय दूतावास को जरूरी निर्देश दें। उधर तमिलनाडु सरकार ने कहा कि ये पता लगाया जा रहा है कि कुवैत में लगी आग में मारे गए लोगों में तमिल भी शामिल थे या नहीं। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर ने कुवैत में अपने समकक्ष से बात करके राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुवैत हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में हमारे कामगारों की सुरक्षा चिंता का विषय है। राहुल गांधी ने अपने सोशल अकाउंट एक्स पर लिखा, कुवैत सिटी में आग लगने से 40 से अधिक भारतीयों की मौत की भयावह खबर से स्तब्ध और दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मध्य पूर्व में हमारे श्रमिकों की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। भारत सरकार को अपने समकक्षों के साथ मिलकर अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करना चाहिए। आज पीएम मोदी G7 की बैठक में शामिल होने के लिए इटली के दौरे पर जाएंगे। राष्ट्रपति बाइडेन, राष्ट्रपति मैक्रो, पीएम फूमियो किशिदा समेत कई बड़े नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान G7 शिखर सम्मेलन में मौजूद दूसरे विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी कई नेताओं संग द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से ठीक पहले खालिस्तान समर्थकों ने वहां महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ दिया। पीएम मोदी इस मूर्ति का उद्घाटन करने वाले थे। घटना को लेकर भारत ने इटली सरकार से शिकायत की है और दोषियों को पकड़ने की मांग की है। मामले की जांच की जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड के रास्ते में एक रेस्टोरेंट में लंच किया और इस दौरान उन्होंने रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ बातचीत की और फोटो भी खींचवाई। क्या बना रहे हैं आप? मैं वेज बिरयानी। कब आए यहाँ? मैं आया, एक साल हो गया, मैं जा रहा हूँ परसों जा रहा हूँ। अच्छा, राजस्थान से खबर है। अशोक गहलोत सरकार में बने 17 नए जिलों की समीक्षा की जाएगी और भजनलाल सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में जिलों की संख्या 33 से बढ़ाकर 50 कर दी थी। उसके अलावा संभागों की संख्या भी बढ़ा दी गई थी, 7 संभाग से बढ़ाकर 10 कर दिए गए थे। तब बीजेपी ने इस फैसले का विरोध किया था। बीजेपी सरकार बनने के साथ ही इस फैसले पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। मौजूदा भजनलाल सरकार ने अब इस फैसले की समीक्षा करने का आदेश जारी किया है। एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई है जिसका संयोजक डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया है। ये समिति नए जिलों को खत्म करने या जारी रखने पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और पेमा खांडू फिर बनेंगे अरुणाचल प्रदेश के सीएम। आज सीएम पद की शपथ लेंगे पेमा खांडू। अमित शाह और जेपी नड्डा ईटानगर पहुंचे। विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने उनको सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खांडू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए ईटानगर पहुंच गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। बीजेपी ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की। पेमा खांडू 2016 से अरुणाचल के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने नबाम तुकी के इस्तीफे के बाद पहली बार पदभार संभाला था। उस समय वो कांग्रेस में शामिल थे। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंच पर पीएम मोदी ने उनको गले लगाने की तस्वीर वायरल हो रही है जिसके सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को पीएम मोदी के गले लगाने की इस तस्वीर के मायने काफी बड़े हैं। दिल्ली में गठबंधन सरकार और टीडीपी की अहम भूमिका पर विपक्ष के सवालों के जवाब के रूप में इसे देखा जा रहा है। विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू सीएम पद की शपथ लेने के बाद जब मंच पर बैठे पीएम मोदी से मिलने गए तो उन्होंने नायडू को पहले गुलदस्ता दिया और फिर गले से लगा लिया।
इस तस्वीर के सियासी गलियारों में काफी चर्चा है। समझा जा रहा है कि तस्वीर से मोदी और नायडू के बीच मजबूत बॉन्डिंग का संदेश बिना कुछ कहे ही चला गया है। और साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी के भाई पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम बन गए हैं। पीएम मोदी ने मंच पर उनकी हौसला अफजाई। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीर है। पवन कल्याण डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी से आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। पीएम मोदी उनका हाथ पकड़कर आगे की ओर ले जाते हैं। इस दौरान पीएम मंच पर मौजूद पवन कल्याण के भाई और साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी का भी हाथ पकड़ लेते हैं और दोनों भाइयों का हाथ पकड़कर लोगों का अभिवादन करते हैं। इस दौरान दोनों भाई बेहद भावुक नजर आते हैं। पवन कल्याण की पार्टी जनसेना विधानसभा चुनाव में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नीच को लेकर छात्र अब सड़कों पर उतर आए हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों ने बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों के प्रदर्शन में उनके माता पिता और अभिभावक भी शामिल थे। छात्रों की मांग है कि नीट एग्जाम को रद्द किया जाए और दोबारा एग्जाम कराया जाए। हम यहाँ पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा और री एग्जाम के लिए नहीं बोला जाएगा। सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट से यही अपील करते हैं कि काउंसलिंग पर स्टे लग जाए। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स अभी PIL के लिए गए हुए हैं तो वो भी आएंगे। अभी काफी स्टूडेंट्स और धीरे धीरे जुड़ेंगे स्टूडेंट्स। एनटीए के फैसले के खिलाफ 20,000 छात्रों ने देश भर की अदालतों में याचिकाएं दाखिल की हैं। और दिल्ली में पानी को लेकर जनता परेशान है, लेकिन सियासी दल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं लोग सरकार से पानी संकट दूर करने की गुहार लगा रहे हैं। सड़क पर बहते पानी की ये तस्वीर अरविंद मार्ग की है। लोगों का कहना है कि दिल्ली में हो रहे पानी के संकट पर दिल्ली सरकार जल्द से जल्द दूर करे। जिम्मेवारी की बात रही तो MCD आदि जो है सब आप पार्टी के अंदर में है और ये सब जो रोड वगैरह है ये MCD के अंदर आता है, सब कुछ है। दरअसल दिल्ली की जल मंत्री आतिशी लगातार हरियाणा और हिमाचल पर पानी नहीं देने का आरोप लगा रही हैं। हरियाणा सरकार का कहना है कि अपनी कमियां वो दूसरों पर थोप रही हैं। दिल्ली के अंदर अगर बिजली संकट है तो उत्तर प्रदेश पे आरोप लगा दो, पानी का अगर संकट है तो हरियाणा के ऊपर आरोप लगा दो। और वहीं दिल्ली में पानी पर संकट के बीच जल मंत्री आतिशी के आरोपों पर LG ऑफिस ने जवाब भी दिया है। पानी को लेकर दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना के साथ हुई बैठक के दौरान आरोपों पर LG कार्यालय ने एक पोस्ट के जरिए सफाई दी है। माननीय मंत्री जी, LG साहब ने आपको कोई गाली नहीं दी। LG कार्यालय ने आपके द्वारा कल उनको दी गई गालियों और सफेद झूठ का बाकायदा साक्ष्य समेत खंडन कर आदतन दिल्ली के लोगों को भ्रमित करने का पर्दाफाश किया। उन्हें अभी भी आशा है कि आप दिल्ली में पानी की चोरी और बर्बादी रोक लोगों को पानी देंगी। और नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने का के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट आज दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। ग्रेस मार्क्स देने के लिए NTA के फैसले के खिलाफ दो याचिकाओं पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट की गई है। फिजिक्स वाला के CEO अलक पांडे और आंध्र प्रदेश के उम्मीदवार जरीपते कार्तिक की याचिका पर ये सुनवाई होगी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच आज इस पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की याचिका में 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में नीट UG 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और नतीजे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाने और परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने की मांग की गई है। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए एक अहम जानकारी। नीट विवाद पर TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में देखिए सबसे बड़ा शो आज दोपहर 1 बजे। कोचिंग ऑनर, प्रशासन और छात्र आज स्टूडियो में खुलकर होगी बातचीत। नीट पर बवाल, भविष्य का सवाल, दोपहर 1 बजे से। और इस बीच एक बड़ी खबर है, पुरी में जगन्नाथ मंदिर में चारों कपाट थोड़ी देर में खुलेंगे और सीएम माझी समेत कई मंत्री भी मंदिर में पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना जारी है तो जगन्नाथ मंदिर के कपाट आज खुलेंगे। बताया जा रहा है कि मंदिर के चारों कपाट आज खुलेंगे और इस दौरान सीएम माझी समेत कई मंत्री मंदिर में मौजूद।
मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम और 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 4 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इन प्रस्तावों में भगवान जगन्नाथ मंदिर के चारों कपाट को खोलना, मंदिर के लिए 500 करोड़ का फंड अलॉट करना, 100 दिन के भीतर सुभद्रा योजना लागू करना और धान की MSP 3100 रुपए प्रति क्विंटल रखना शामिल है। पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के चारों कपाट आज मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों की उपस्थिति में खोले जाएंगे। और यूपी की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में सीएम के साथ सभी डीएम, अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी के साथ ही एडीजी जोन, मंडल आयुक्त और पुलिस कमिश्नर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। बैठक में त्योहारों के मौके पर की जाने वाली कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की जाएगी। सीएम योगी खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी सख्त दिख रहे हैं। राज्य में नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रक्रिया को हफ्ते भर पहले ही सार्वजनिक किया है। सीएम योगी ने राज्य में माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। कानपुर से खबर है जहां एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कानपुर नगर निगम की बैठक में मेयर इतना भड़क गई कि उन्होंने फाइल फेंक दी और अधिकारी की जमकर क्लास लगा दी। तस्वीरों में अधिकारी पर गुस्सा हो रही कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे हैं, जिन्होंने समीक्षा बैठक में इंजीनियर से नाला सफाई की रिपोर्ट मांगी। दावा है कि इंजीनियर ने झूठी रिपोर्ट दे दी। वो नाला सफाई के निरीक्षण के दौरान की एक फोटो तक नहीं दिखा सके। इस पर मेयर प्रमिला पांडे ने इंजीनियर की दी हुई फाइल फेंक दी। अब उनका कहना है कि अगर इस बार बारिश में पानी भरा तो खैर नहीं। बरसात में कोई भी हमारा एरिया, अगर कोई भी इलाका पानी से डूबा तो फिर ठीक नहीं। और इराक की रिफाइनरी में भीषण आग। जी हां, इरबिल की रिफाइनरी में आग से हड़कंप मचा हुआ है। दूर दूर तक दिख रही आग की लपटें। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक है। इरबिल के इस रिफाइनरी में आग लगी है और दूर दूर तक धुएं और आग की लपटों को देखा जा सकता है। महाराष्ट्र के नासिक में डैम निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। 7 डैम पूरी तरह से सूख चुके हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आसमान से बरस रही आग ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। महाराष्ट्र के नासिक तक पानी की भारी किल्लत हो गई है। भीषण गर्मी के चलते बांधों में पानी निचले स्तर तक पहुंच गया है। गोदावरी नदी का जल स्तर घट गया है। नदी का बड़ा हिस्सा खाली मैदान में बदल गया है। गंगापुर बांध से सिंचाई के अलावा पीने के पानी की सप्लाई नासिक और आसपास के शहरों को होती है, लेकिन पानी का स्तर गिरने से अब प्रशासन केवल पीने के लिए पानी की सप्लाई कर रहा है। नासिक में गौतमी, गोदावरी, कश्यपी समेत 7 बांधों में जल का भंडारण शून्य तक पहुंच चुका है। और यूपी के बरेली में 3 तलाक का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार पाकिस्तान के लाहौर के रहने वाले। पाकिस्तान के लाहौर में रहने वाली इरम का निकाह बरेली के रहने वाले मोहम्मद अथर से 2008 में हुआ था। महिला का आरोप है कि उसका पति और ससुराल वाले कई साल से उसे परेशान कर रहे हैं और अब उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद उसने थाने में तहरीर दी है और पाकिस्तान वापस जाने की मांग की है। मैं चाहती हूं कि मैं, मेरे बच्चे सेफ रहें और इन लोगों के साथ मेरी सेफ्टी नहीं है, इसलिए मैं अपने महके पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। इधर मुरादाबाद से खबर है जहां यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान समेत 3 पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज किया है। गोरखपुर की रहने वाली युवती ने अपनी FIR में कहा है कि उसकी पहचान अब्दुल्ला पठान से 2021 में सोशल मीडिया पर हुई थी। अब्दुल्ला ने उसे भी नौकरी का ऑफर दिया, उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर शोषण किया। गलत काम करने लगे और बोले मुझे शादी करने के लिए, तो काफी सालों से मुझे यूज कर रहे हैं और शादी का झांसा देते। वहीं पुलिस ने युवती की तहरीर के मुताबिक अब्दुल्ला पठान समेत 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। और आमिर खान के बेटे जुनैद खान एक्टिंग डेब्यू करने जा रहे हैं। उनकी फिल्म महाराज रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई है।
हिंदू जन जागृति समिति ने आमिर खान के बेटे जुनैद खान की डेब्यू फिल्म महाराज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हिंदू जन जागृति समिति का कहना है कि फिल्म में साधु संत और वल्लभ संप्रदाय की बदनामी की गई है। यदि हिंदू साधु संत या हिंदू धर्म को बदनाम करने वाला कोई दृश्य होगा तो निश्चित रूप से हिंदू जन जागृति समिति उसका प्रखर विरोध करेगी। फिल्म महाराज 14 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाने वाली है, लेकिन मेकर्स या स्टार्स की तरफ से अब तक ना तो फिल्म का कोई टीजर जारी किया गया है और न ही कोई ट्रेलर सामने आया है। एमपी के सीहोर में एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के वक्त मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक बस भोपाल से बतकतरा जा रही थी, तभी तेज रफ्तार बाइक से टकरा कर पलट गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की भी मौके पर मौत हो गई। बस पलटने से 2 महिलाएं इसके नीचे दब गई थी, जिससे उनकी भी मौत हो गई। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। बस वाले टर्निंग पे जो रही थी ना, टर्निंग पता नहीं, वो बस भी बहुत तेज में आ रही थी, इधर से हम भी जा रहे थे। हादसा हुआ बस आते में 2 मोटरसाइकिल वाले सामने पड़ गए। और मध्य प्रदेश के भिंड में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। कार ने सड़क पर चल रही भीड़ को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें 8 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। हादसे में 4 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रोड पर एक गाड़ी द्वारा एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें टोटल 11 लोग घायल हुए हैं। 7 लोगों को भिंड रेफर कर दिया गया, 4 लोगों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद मौके पर जमकर बवाल मच गया। मौजूद लोगों ने कार चला रहे शख्स को कार से बाहर निकालकर जमकर पीटा और कार में भी तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस में एक पुलिसकर्मी की जमकर धुनाई कर दी। गाजियाबाद के हाजीपुर बेहटा गांव में बुधवार रात एक मकान में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस समय घर में कुल 7 लोग थे, जिसमें से 2 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 5 लोग घर के अंदर फंस गए। आसपास के लोगों ने पास के घर से सीढ़ियां लगाकर दोनों लोगों को बाहर निकाला। आग की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। फायर जो है पहला और दूसरे मंजिल में था, नीचे से फायर हुआ था, ऊपर के लोग वहाँ पे पहले और दूसरे मंजिल में ट्रैप हो गए थे। उसमें से 5 लोगों को बरामद किया गया है, जो कि उस फायर एक्सीडेंट में उनकी कैजुअल्टी हुई है। और जम्मू कश्मीर के जंगलों से लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनका असर वहां के रिहायशी इलाकों में भी हो रहा है। प्रशासन के पास दोनों को बचाने की चुनौती है। राजौरी के जंगलों में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। आग की चपेट में कई जंगल आ गए हैं। आग लगने से वन संपदा को काफी नुकसान हुआ है। राजौरी के जंगल में लगी इस आग का असर दूर तक देखने को मिल रहा है। जहां भी देखो आग और धुएं का गुबार दिख रहा है। वन विभाग के अधिकारी और स्थानीय निवासी आग बुझाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके बाद भी कई घंटों की मेहनत के बाद भी आग को पूरी तरह से काबू नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से आम लोगों को आग की घटना से भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने अपने तीसरे मैच में अमेरिका को हराकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इसके जवाब में अमेरिका ने 20 ओवरों में 8 विकेट पर 110 रन ही बना सकी। इसके जवाब में टीम इंडिया ने सूर्य कुमार यादव की नाबाद 50 रनों की पारी के दम पर 18.2 ओवर में 3 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। सूर्य कुमार यादव के अलावा शिवम दुबे ने नाबाद 31 रनों का योगदान दिया। सूर्य कुमार और शिवम दुबे ने रिकॉर्ड साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई।